देवी जी से जी साहब, जरा इधर आना, बात करनी है। जी जी, कुछ चाहिए से जी साहब? ये कौन से रंग की वस्त्र पहने हैं तुमने आज? आज बाजी की शादी है, इतना शुभ अवसर है और तुमने काले रंग के वस्त्र पहने हैं। काला? ये एक ही तो रंग बचा है मेरी जिंदगी में, मेरे उनके बगैर तो मुझे सुबह का सवेरा भी काली रात की तरह लगता है। मेरी पीड़ा को आपसे अच्छा कौन समझ सकता है? सेठ जी साहब, आपके वो तो आपको खुद ही छोड़कर चले गए थे, लेकिन मेरे वो तो मुझसे इसलिए बिछड़ गए क्योंकि वो आपके आदेश का पालन कर रहे थे, है ना? देवी, आज बाजी की शादी है। क्षमा कीजिए सेठ जी साहब, कभी कभी दिल की बात इस मनुष्य ज़बान पे आ ही जाती है। देवी, आज तो ये सब मत बोलो। आप भी कहाँ मायरी बनकर आई हैं उसकी शादी में? आप भी तो सेठ जी साहेब ही बनकर आई है ना? वैसे सेठ जी साहेब देवी बोलेगी ना तो सच ही बोलेगी। आप इन्हें तो कहा था ना कि आप इन्हें अपने बेटे और बहू का दर्जा नहीं देना चाहती। क्यों? इस गांव के सेठ जी ने इन दोनों को, बाजी और प्रगति को, इस गांव में रहने का अधिकार दिया, मेरे बेटे और बहू होने का अधिकार नहीं दिया। वैसे यशोदा अक्का, हाँ? एकदम अप्सरा लग रही है ये शहरी लड़की। हाँ हेमलता, ये तो बिल्कुल सच कह रही हो तुम, लेकिन एक बात तो है, अपना बाजी भी किसी राजकुमार से कम नहीं है। ये तो एकदम सही कहा।